पहाड़ ना बहुत मूडी होते हैं। कभी सूरज की पहली रोशनी के साथ उठ जाते हैं और कभी पूरा दिन बादल ओढ़ के आराम फरमाते हैं। लेकिन मौसम कोई भी हो, इनके हर मूड हर रंग का ना एक अपना ही नशा है। बीस मिनट में सब चेंज हो गया। आज सुबह उठा और मस्त एकदम क्लियर। आज तो फटाफट नहा लेते हैं, तैयार होते हैं, निकलते हैं। जब तो नहा के बाहर आया, ये हो गया मॉनसून लाइफ इन माउंटेन्स। Our homestay being away from the hustle of the main Almora town gives a sense of being cut off from the outside world. Now generally that's a good thing, but अगर आप injured हो तो थोड़ा issue हो सकता है। लेकिन हरीश जी के होते किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। उसको ऐसा है कि जब तक सीधा रखूँ ना तो ठीक है। मोड़ता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा सा वो फट जाता है। हरीश जी is the perfect mix of a helpful, humble host who respects privacy of the guest while offering his services at any time one needs. He can cook for you, can take you on treks, can talk about the pahadi life and in general can be a great company. Home here is located in the premises of an eco forest, and the seclusion here makes me forget that we are just 10 kilometers away from Almora. Barishon mein bhi the view from the balcony is such that I can spend an entire day just sitting here doing nothing. थोड़ी तो रुक गई है यार, निकलते हैं। लेकिन आज के लिए डूइंग नथिंग इज नॉट द एजेंडा, बिकॉज टुडे देयर इज अ पाइन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। हरी जी, हाँ सर, ये हवा के लिए ना सही में हम वहाँ तरस जाते हैं। एक तो वहाँ बाहर नहीं निकल सकते, हाँ। और दूसरा ये कि बाहर निकलो तो वहाँ भी पोल्यूशन। अभी तो हवा चल नहीं रही है सर, हाँ। मौसम गुम है। अगर जब हवा चलती है वाह, उस समय तो अनबिलीवेबल, बस जस्ट लाइक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इतनी शुद्ध हवा, और पाइन ट्रीज की हवा तो इतनी होती है कि डॉक्टर जो टीबी पेशेंट होता है उनको लिखता है कि आप फॉरेस्ट पाइन फॉरेस्ट में रहिए करके। अच्छा। इतनी लाभदायक होती है। अच्छा। हाँ, इस हवा के लिए तो तरसते हैं। एक्चुअली आई एम लवर ऑफ नेचर, बचपन मेरा पूरा पहाड़ों में ही गुजरा है और मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। कितनी भी अच्छी जॉब मिल जाएगी मैं क्या करूँगा, आई कैन नॉट कैरी एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, सो आई लाइक ओनली नेचर, और मुझे नेचर के संग रहना अच्छा लगता है।
और यहाँ का हवा पानी इतना शुद्ध है, बिल्कुल मजा आता है। तो आप ट्रेकर कैसे बने हरी जी? एक्चुअली सर, जब मैं शिखर होटल पर जॉब करता था तो 12 साल मैंने एक ही चेयर पर बैठकर काम किया, तो फिर मैं बोर हो गया। एंड बचपन से ही मैं स्पोर्ट्समैन था और चलने का शौकीन था, नेचर को एंजॉय करने का शौकीन था। फिर वो तो एक मजबूरी हो गई थी कि मुझे अपने जीविका चलाने के लिए काम भी करना ही है। फिर मैंने काम किया तो थोड़ा बहुत मैंने जो कुछ भी किया, फिर मैं उब चुका था उस काम से। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से अपनी पुरानी लाइफ या फिर इतनी वॉक करूंगा जितने मैं 12 साल एक चेयर पर बैठ के मैंने काम किया है, तो मैं उसको कवरिंग करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लॉट ऑफ वॉकिंग करूंगा। फिर धीरे धीरे करके मैंने वॉकिंग स्टार्ट करी, जगह जगह को डिस्कवर किया कि कहाँ मैं खुद घूमूंगा, कहाँ मैं टूरिस्टों को ले जाऊंगा, और इसी को मैंने अपना आजीविका का साधन बनाया। और दाल रोटी चल रही है अपनी, और क्या चाहिए, सब कुछ ठीक है, आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। हरीश जी ने कितने सिंपल वर्ड्स में अपने लाइफ की फिलॉसफी बता दी। आई थिंक दैट्स व्हाट लिविंग इन नेचर डज टू यू, इट मेक्स यू कंटेंट एंड हम्बल। ये सफेद पत्थर क्या है? ये सर पहाड़ में बहुत जगह ऐसे पत्थर होते हैं। अच्छा, पहाड़ में उसे डांसी पत्थर बोलते हैं। हाँ। और लगता तो ये संगमरमर की तरह एकदम वैसा ही है जी। हाँ, लेकिन ये कोई काम नहीं आता सर, बहुत से घरों में कुछ लोग इसको सोपी इसके लिए लगा देते हैं। पहली बार मैं कितने पहाड़ों पे गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, पहाड़ में होते हैं सर बहुत जगह। अबे यार, ये देख रहे हो, अब ये लोकल्स का काम है, ये टूरिस्ट का काम है, जिसका भी है, बट लोग कहते हैं यार पहाड़ों में जाके बसना है, पहाड़ों में लाइफ है। ये देखो क्या हम लाइफ खराब कर रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, किसी को कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई एनजीओ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट पहाड़, प्लेन्स, बीचेस, जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, अपना ट्रैश वापस ले आओ, जो लेके जा रहे हो। अगर वहां पे मैगी खाई है, दुकानदार को बोलो मेरे को मेरा मैगी का रैपर दे दो, वहां से पानी की बॉटल ली है घर लेके आ जाओ। यार हम मेजर सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, सब जगह वहां पे वेस्ट डिस्पोजल इज मच बेटर। क्या ही कर रहे हैं यार। मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं उनके बच्चे, सब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, और खाते खाते चिप्सों के पैकेट चलती गाड़ी से बाहर को फेंक देते हैं। तो व्हाट काइंड्स ऑफ एजुकेशन दे आर गेटिंग इन द बिग सिटी। और यहाँ के नेचर को कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ भाई हम दूसरी जगह जा रहे हैं, नेचर को गंदा करते हैं। और जबकि सर यूरोपियन टूरिस्ट ऐसा होता है, हाई एल्टीट्यूड पर हिमालय के पास भी सर एक टॉफी का रैपर भी गिरा होता है, तो उसको भी उठा के अपनी बैग में रखता है, जबकि वो उसने नहीं फेंका है, वो जानता है कि नेचर खराब हो जाएगा।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पढ़ा होगा ना दैट माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो। द ट्रूथ इज माउंटेन्स नेवर कॉल। उनको हमारी नहीं, हमें उनकी जरूरत है। और किसी भी और रिलेशनशिप की तरह दिस वन टू रिक्वायर्स लव एंड केयर। जस्ट रिमेंबर दैट।